यस मैम, यस मैम। ओके साईराम साईराम बेटा साईराम, लेट अस स्टार्ट आवर मीटिंग बाय चैंटिंग ओंकार 3 टाइम्स। Sairam, dear parents and loving children, Sairam to all. So after a long gap, means after 2 weeks, we met again. So we will start. First, I want to appreciate all of you for your kind cooperation that make our online examination successful. So parents, dear parents, your help, your cooperation, and the children, both of them, their cooperation that made our examination successful. And all सहजा मैम आवाज नहीं आ रही है। सहजा मैम, हेलो सहजा मैम, सहजा मैम, हेलो हेलो सहजा मैम, शायद नेटवर्क इशू के कारण सहजा मैम की आवाज नहीं आ रही है। सहजा मैम नेटवर्क के कारण लेफ्ट हो गई, अभी फिर जुड़ जाएंगी, 2 मिनट में जुड़ जाएंगी। साईराम पेरेंट्स, यस सहजा मैम, आई एम सॉरी, आई लेफ्ट आउट द मीटिंग। हाँ हाँ मैम, नेटवर्क इश्यू के कारण हो सकता है। सॉरी सॉरी, ओके। सो यस, सो योर काइंड कोऑपरेशन मेड आवर एग्जामिनेशन, दिस वाज अ बिग टारगेट फॉर ऑल बोथ पेरेंट्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स successfully done. One problem we faced is that after sending the PDF, little difficulty had the teachers. What happened? Ma'am, आवाज कट के आ रही है आपकी। I will do the work again. सहजा मैम, आवाज कट के आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है। कट के आ रही है। कल आपने ऑफ कर दिया। Yes. अब नहीं दिख रही सर वकी की जगह। कट रही है आवाज सर्वज्ञ बेटा, माइक अपना म्यूट करो। माइक म्यूट करो। नाउ इज इट ओके? यस मैम, यस मैम। साईराम टीचर्स, साईराम पेरेंट्स, साईराम अर्पिता मैम। ओके मैम, yes, yes now it's okay ma'am. Yeah, yes ma'am, okay. Yes ma'am, so boliye boliye. We faced a problem. Hum jab print out nikala to wo print out black color mein nikla. Wo aapki bhi galti nahi hai, bachchon ki bhi galti nahi hai. Hum first time kar rahe hai isliye kisi ki bhi galti nahi, lekin next time usko hum resolve karenge. Uske liye kya karna hai, hum log jo PDF scan karte hain, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस से स्कैन करते हैं, अब परफेक्ट लाइट होना चाहिए। परफेक्ट लाइट में लेंगे क्योंकि बच्चे तो पेंसिल से लिखते हैं,
लाइट भी रहता है किसी का तो परफेक्ट लाइट नहीं है तो एकदम डार्क निकलेगा। और एक और बात है, स्कैन करने के बाद एक क्रॉप ऑप्शन है, उसको चूज करना है, सेलेक्ट करना है। क्रॉप ऑप्शन से क्या होता है, हमें जो शीट के किस पार्ट नहीं चाहिए उसको क्रॉप करके कितना चाहिए उतना हम सेव कर सकते हैं। उतना सेव करके एक फिल्टर करके ऑप्शन है, उसमें ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शन रहता है, उसमें सेंड किया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम टेस्ट होने से पहले हम लोग बच्चों को इसके प्रैक्टिस भी देंगे, ताकि बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा, तो आपको भी समझ में आएगा, हमें भी समझ में आएगा कि कहाँ गलती है। और हम ये क्रॉप करने से एक और फायदा है, इसके साइज भी कम हो जाएगा, डाटा भी सेव हो जाएगा, फाइल भी खुलेगा, नहीं तो कई फाइल नहीं खुलते, बिग साइज होता है। ये हम नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखेंगे और हम बच्चों को प्रैक्टिस भी देंगे। सायरा मैम, दिस यस मैम, मैम आई वांटेड टू ऐड वन मोर पॉइंट। यस 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 मैम, यू कैन ऐड प्लीज। ओके ओके, थैंक यू मैम। हाँ पेरेंट्स, मैं अर्पिता मैम बोल रही हूँ, इंग्लिश की मैम। तो मैंने जब ये प्रॉब्लम फेस किया था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मैम माय वॉइस इज ऑडिबल? यस मैम कंटिन्यू। ओके ओके थैंक यू। ओके, मैंने जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस किया था पेपर चेक करते करते, तो इसीलिए मैं सबसे कहना चाहती हूँ सारे पेरेंट्स से कि मैम जैसा बोल रही है पिक्चर ठीक से लीजिए, ये बच्चों की गलती नहीं है, आपकी भी नहीं है, फर्स्ट टाइम है, लेकिन आगे से हम ध्यान रखेंगे इसका कि आपको पिक्चर ठीक से लेनी है और ऐसे वेल लिट जगह पर लेनी है, यानी जहाँ रोशनी ठीक से आ रही हो उस जगह पर पेपर को रख के पिक्चर लेनी है, जहाँ पर भरपूर सूरज की रोशनी आ रही हो, सनलाइट आ रही हो, या तो आर्टिफिशियल लाइट, अगर सनलाइट नहीं भी इतना ज्यादा नहीं आती है घर पे तो आर्टिफिशियल लाइट भी जहाँ पे पूरा मतलब आ रही हो, मतलब शेड ना पड़े, परछाई ना पड़े, उसमें काला ना लगे, तो पूरे सनलाइट में, या आप चाहे तो आप छत पे, बालकनी में, कहीं पर भी जा सकते हैं जहाँ पूरा सूरज की रोशनी मिले और वैसे पिक्चर लीजिए, लेकिन इतना ज्यादा भी रोशनी नहीं कि वो पिक्चर जल जाए और पूरा एकदम फ्लैश जैसा लगे, क्योंकि ऑटोमेटिक कुछ कुछ कैमरे में ऑटोमेटिक फ्लैश होता है, तो उससे क्या है पिक्चर जल सकती है, ऐसे भी नहीं, तो वो आपको बैलेंस करके देखनी पड़ेगी। और मेरी रिक्वेस्ट है, आप जब पिक्चर लेके सेंड कर रहे हैं तो उसके पहले कृपया वो पिक्चर को खुद देखे, एक एक कॉपी तो एक दो कॉपी ऐसे मिले आपको, मतलब खुद हैरानी होगी कि क्या पिक्चर भेजा है मैंने, तो आप काइंडली एक रिव्यू कर ले कि आप कौन सा पिक्चर भेज रहे हैं, कैसा है, और आप उसी हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि वो पिक्चर सही है, सेंड करने लायक है कि नहीं, तो ये काइंडली ये देखें। और मैम ने जैसे बोला कि क्रॉप का ऑप्शन, क्योंकि एक आध पेज में कॉपी में मैंने ऐसा देखा कि बेडशीट आ रहा है ज्यादा, तो फ्लोर आ रहा है, मैट आ रहा है, मतलब फोकस सारा उधर चला गया और पेपर छोटा हो गया, तो ये बात मतलब क्या होता है जब बच्चे पेंसिल से लिखते हैं बहुत हल्का, उसका प्रिंट निकलता है तो उसको देखनी पड़ती है, मतलब टीचर की आंखों पर बहुत मतलब प्रेशर पड़ता है, और कभी कभी तो वो भी नहीं दिखता है हमें, तो अंदाजन देख देख के, नहीं तो वो पीडीएफ जो आपने सेंड किया उसका पिक्चर देख देख के नंबर देने पड़े, प्रिंट आउट में नहीं, एक दो बच्चों का, सारे बच्चों का नहीं, तो ये आप आगे से ख्याल रखिए, क्योंकि क्रॉप करते से क्या होगा, जो अनवांटेड पोर्शन है ना, जैसे कि वो बेडशीट या मैट या जमीन का हिस्सा, वो अनवांटेड पोर्शन कट हो जाएगा, ताकि क्या होगा आपका जो वांटेड पोर्शन है जिसमें लिखावट है वो जूम हो जाएगा ऑटोमेटिक, वो बड़ा हो जाएगा और फोकस जाएगी राइटिंग पे ज्यादा, तो वो पेपर बहुत सुंदर लगेगा। तो इस ऑप्शन का अगर आपको पता है तो वेरी गुड, अगर नहीं पता है, डाउट है कुछ, तो आसपास वालों से, आस पड़ोस या रिलेटिव से पूछ लीजिए जो आपको गाइड कर सके, अगर कोई भी नहीं है तो आप बेझिझक मैम से भी पूछ सकते हैं, कोई भी मैम आपको हेल्प कर देगी इस प्रोसेस में, लेकिन अगले बार से ये बच्चों को सैक्रिफाइस नहीं करनी चाहिए ये चीज। ओके, अच्छा, ये एक
बात। और एक और पॉइंट मैम अभी जो दिमाग में आ रहा है कि एक आध बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, मतलब हम डेली होमवर्क जब देते हैं तब भी मैंने नोटिस किया कि नेचुरली बच्चों के लिखावट बहुत लाइट है। एक तो ये पेंसिल से लिखते हैं तो ये जो पीडीएफ में हमें दिख जाता है, लेकिन प्रिंट आउट ना बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आप कृपया बच्चों को थोड़ा सा एडवाइस कीजिए, गाइड कीजिए कि थोड़ा डार्क लिखे पेंसिल से। डार्क मतलब ऐसा भी डार्क नहीं कि पूरा काला हो जाए, वो आप समझते हैं वेरी वेल एज पेरेंट, पेरेंट के तौर पे आप समझते हैं। तो ऐसे कंट्रोल करके देखिए आपका बच्चा सही सही प्रेशर देके लिख रहा है कि नहीं। अगर बहुत लाइट है तो थोड़ा सा डार्क लिखवाए, अगर बहुत डार्क लिख रहा है एक्सेसिव तो थोड़ा सा कम करके उसको मतलब मात्रा सही करके लिखवाए। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पेपर चेक करते करते समझ में आए, तो वहां से ये मुझे समझ में आया इसलिए मैंने शेयर किया। यस सायरा मैम। ओके थैंक यू मैम। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट मैथ्स में मल्टीप्लीकेशन टेबल जो है 2 to 5 ऑलरेडी आप सबको याद है। इसके बाद 6 की टेबल भी मैंने सिखाया है बच्चों को। रोज एवरी डे दे हैव टू रिसाइट द टेबल फ्रॉम 2 to 6। ऐसा नहीं है आज 6 का मैम ने सिखाया, नेम लिखने के लिए बोला, क्लास नेम पढ़ाया, उसको अकेला ही याद करना, ऐसा नहीं है। बच्चों को 2, 3, 4, 5 वो खेलते खेलते 6, ऐसा नहीं है कि बैठना बुक लेकर, कोई जरूरत नहीं, खेलो बोलते जाओ। जैसे रेसिटेशन, पोयम रेसिटेशन जैसे आप रिसीट कर सकते हैं, उसका तो ध्यान रखना है क्योंकि हम भूल जाते हैं। कोई भी हो, हम तो डेली यूज रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है तो भूल जाते हैं। सो यू ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चों को आप लोग थोड़ा एडवाइस देना है, इंसिस्ट करना कि रोज प्रैक्टिस करो, लिखने का नहीं बोलने दो, बोलने में तो लिखना आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो बोलना, बच्चों को बोलना है, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, लिखना सेकेंडरी है, प्राइमरी है बोलना है। तो ये आपको ये ही है मल्टीप्लीकेशन टेबल के बारे में। आज मैंने बच्चों को सिर्फ एडिशन के 5 क्वेश्चंस किया, बच्चों ने करना भी शुरू किया, बहुत अच्छी बात। बस आप लोग थोड़ा सा इन लोगों को देखना है, सुपरवाइज करना है कि मैम ने कुछ भेजा है उसको किया कि नहीं, बस कर रहे कि नहीं ये देखना आप, बस इतना ही है, बाकी बच्चे कर लेंगे। बाकी हम लोग तो प्रॉब्लम सॉल्विंग उस दिन में पढ़ा रही थी, टाइम एक्सीड होने के कारण मैंने स्टॉप किया था, नेक्स्ट क्लास में उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे और दिक्कत नहीं है, बच्चे आराम से सीखेंगे। क्योंकि हम पहले भी वीडियो बना के भेजा था उसमें सिखाया है, लेकिन कोई बात नहीं, वो पहले की बात है, फिर से हम सीखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को सिखाएंगे। बस इतना ही मैथ्स रिलेटेड बोलना था, अगर किसी को कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। सायराम मैम। यस सर, सायराम सर। हाँ बोलिए सर, आवाज। मुझे पूछना था रिजल्ट मैम कब तक आ रहे हैं? सर जब हमारे पास इंटीमेशन आएंगे जल्दी हम आपको बताएंगे। ओके सर, वो प्रोसेस चल रहा है ना सर। ओके मैम, थैंक यू। और कोई भी सब्जेक्ट का आप पूछ सकते हैं। ओके आयुष्मान, आयुष्मान। यस सर, यस सर। आयुष्मान का मैम कैसा है प्रोग्रेस क्लास के अंदर? हाँ आयुष्मान तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज वेरी अटेंटिव, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम में उन्होंने कैसा लिखा है? एग्जाम का तो अच्छा ही लिखा सभी बच्चों ने, अभी एक एक बच्चे का मुझे ध्यान नहीं है, फिर भी बच्चों ने बहुत अच्छे किए, सभी बच्चों ने किया अच्छे। यस सर। इंग्लिश में और हिंदी में मैडम? हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, हिंदी में भी बहुत अच्छा लिखा है और गूगल के मार्क्स तो आपको पता चल ही गए होंगे,
क्योंकि वो तुरंत भेज दिए गए थे और डिस्क्रिप्टिव में भी बहुत अच्छा किया है, आपको कुछ ही टाइम पे में आपको मार्क्स पता चल जाएंगे, है ना। और बहुत अच्छे से करता है आयुष्मान, कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश मैडम कैसी इसकी क्लास का परफॉर्मेंस? सर वो कुछ देर में आपको तो पता ही लग जाएगा बड़े एग्जाम के मार्क्स, और गूगल फॉर्म के तो मार्क्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो ठीक है ओवरऑल तो मुझे नहीं लगता उसका कोई प्रॉब्लम। गूगल फॉर्म मैम उसका मैथ का छूट गया सर। यस सर आई नो सर, मुझे पता है वो बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ, तो उसका मूड भी खराब हो गया, तब मैंने उसको बोला कि बेटा नहीं। आई नो इट सर, मैथ्स का नहीं हुआ था, मैंने बोला कि रिटर्न टेस्ट खराब नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई दिक्कत तो नहीं। मार्क्स तो कट जाएंगे ना इसके, इसका कैसे करना सर कैसे बताएंगे, हम करेंगे लेकिन इसके लिए कोई टेंशन लेना नहीं है। बच्चे को भी समझाया उसने, आज का मूड खराब हो गया था लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, उसको पेपर अच्छे डिस्क्रिप्टिव वाला अच्छे से देना करके, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ठीक है, थैंक यू सर। यस पेरेंट्स, अच्छा यस सर, हाँ सर, साईराम सर बोलिए सर। मैम हृदय, हृदय कैसा रिस्पोंड करता है क्लास में? हाँ नाम लिया तो फटाफट डांस करता है, पर इधर उधर देखा तो मैं बोलती मेरी तरफ देखो थोड़ा सा, इधर इधर देखता है, मैंने बोला सामने देखो बस तुरंत। और इंग्लिश, इंग्लिश जी जी, और इंग्लिश, इंग्लिश क्लास में अच्छा है सर, अच्छा ही बच्चा है और सीरियस भी है, रिस्पांस भी अच्छा मिलता है उससे, और तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। और सर मैं एक पूछना चाहती हूँ, वो कैसे अटेंड करता है क्लास, मोबाइल से या कंप्यूटर से सर? मोबाइल से करता है मैम, मोबाइल से कर रहा है, मोबाइल से कर रहा है मैम अटेंड। सर मुझे सर एक आध बार मुझे ये प्रॉब्लम लगा कि शायद उसका फोकस सही नहीं आता है, कि वो शायद मोबाइल को हाथ में पकड़ता है कि कहीं स्टैंड पे रखता है सर। मैम टेबल है उसके लिए एक, वो मोबाइल के लिए, तो वो उसके ऊपर रहता है मोबाइल। अच्छा तो सर शायद बच्चा है हाथ में पकड़ा लिया होगा तो मतलब फोकस इधर उधर ही किया, तो मतलब एक आध दिन हुआ था ऐसे कि सीलिंग दिख रहा है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, तो फोकस अगर सही सही में रहा तो और कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत माइनर प्रॉब्लम है, खैर इतनी बड़ी बात नहीं है जी, तो जी, जी। क्योंकि आपने पूछा इसलिए मैंने बोला प्रॉब्लम। नहीं अच्छा है ना, आगे से हम लोग भी और ज्यादा ध्यान रखेंगे कि वो टेबल। हाँ नहीं मैम एक्चुअल वो उस समय है ना कुछ या तो माइक ऑन करना रहता होगा उसे, या तो फिर कैमरा ऑन या ऑफ इस टाइप से कुछ होगा, तो इसलिए उसने वो मोबाइल हाथ में लिया होगा, ऐसा हो सकता है। थ्योरी इंग्लिश थ्योरी में ठीक किया है क्या उसने? तो हाथ मतलब कंट्रोल नहीं रहा होगा छोटे बच्चे। जी हाँ जी हाँ मैडम, इंग्लिश थ्योरी थ्योरी पेपर ठीक दिया क्या इसने? जी सर अच्छा ही किया उसने मैडम, इंग्लिश अच्छा किया। अगर आपको मार्क्स मार्क्स बहुत अच्छे okay, मिल okay, जाए। थैंक यू मैम। हां जी 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 मैम, हिंदी 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 में कैसा है, बहुत अच्छा कर रहा है हिंदी में? जी हाँ हिंदी में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर भी अच्छे से करता है, अटेंटिव रहता है, और पेपर भी उसने बहुत अच्छा किया है। ओके मैम, थैंक यू साइरम मैम।
मैम ये क्लासेस में आप लोगों के साथ आप लोग देखते हैं तो कैमरा ऑफ करके बैठता है कई बारी, मैंने इसको टोका भी है, आप लोगों की क्लास में ये गायब हो जाता है, कैमरा ऑफ कर देता है और फिर बैठा रहता है, तो आप लोग प्लीज ध्यान रखा कीजिए। हाँ आप इसको डाटा कीजिए, बिल्कुल कैमरा ऑफ करके नहीं बैठे ये। देखिए हम तो बार बार बोलते हैं बच्चों को, सारे ही बच्चों को बोलते हैं कि कैमरा ऑन करके बैठना है, पर कई बार बच्चे अपने मन से ही ऑफ कर देते हैं कैमरा। मैं तो बार बार बोलती हूँ, इधर उधर हो जाते हैं फिर कैमरा ऑफ कर देते हैं। यस, जो भी बच्चे कैमरा ऑफ किया तो तुरंत हम बताते कि कैमरा ऑन रखो, आपके फेस देखना तो तुरंत ऑन भी कर देते हैं, लेकिन हाँ निमिष ऐसे नहीं करना बेटा, ठीक है? कई बार बोलना पड़ता है कि आते हुए भी नहीं बोलता है तो बोलना पड़ता है कि आंसर दो। कोई बात नहीं, वो देता करेक्ट देता भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम, निमिष क्विक रिस्पॉन्स देना, ठीक है? यस मैम। ओके फाइन मैम, मुझे कुछ कहना जी मैम। अर्पिता मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके साथ प्रॉब्लम कुछ पूछना जी? मैम आवाज नहीं आ रही है। प्रॉब्लम आज मैंने फेस किया था, जब मैंने उसको क्वेश्चन पूछा तो वो मीटिंग लेफ्ट। मैम मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप क्या कहना चाह रहे हो? हेलो, ओके एक मिनट मैम। यस सायरा मैम, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम जी, वो निमिष के साथ आज मैंने प्रॉब्लम फेस दिया, तो क्या हुआ था मैम, वो जब मैंने उससे पूछा, एक तो उसका कैमरा और दूसरी बार उस वो मीटिंग लेफ्ट होके निकल गया, तो मैं उसको पूछ ही नहीं पाई, तो कुछ देर तक वो मीटिंग से बाहर था। कई बार मैम नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, पर कई बार ये वास्तव में कैमरा ऑफ भी कर देता है, तो मैं बाकायदा इसको देखती रहती हूँ, मॉनिटरिंग करती रहती हूँ कि ये अब कैमरा ऑन करके बैठा है कि नहीं। अब आगे से मैं आपने मुझे बताया, थैंक यू, मैं याद रखूंगी। अब डियर पेरेंट्स, और किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। अच्छा अर्पिता मैम, सायरा मैम, डू यू वांट टू से समथिंग टू पेरेंट्स? ओके आरफ, आरफ मदर प्लीज, और हाँ यस मैम पूछिए मैम, सायरा मैम, एवरीथिंग इज कवर्ड आई थिंक। ओके सायरा मैम पूछिए मैम। हाँ जी मैम, आरव का रेस्पॉन्स कैसा रहा एग्जाम में? मैम ठीक है, सभी बच्चों ने अच्छा किया, अभी जल्दी आपके पास रिजल्ट आने वाले, ठीक है ना, तब पता चलेगा। चलो सभी बच्चों ने अच्छा किया, मैथ्स में अच्छा किया सभी बच्चों ने, जल्दी आपके पास
हमारे पास आएंगे तुरंत आपके पास रिजल्ट आ ही जाएंगे। इंटीमेशन कब मिलेंगे तब आपको इंटीमेट करेंगे बताएंगे। और जी मैम, मैं रवीना मैम से थैंक यू बहुत बोलना चाहूंगी, क्योंकि स्पेशली उन्होंने एग्जाम में पर्सनली हर बच्चे से पूछा कि बेटा कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। जी मैम, तायरा मैम, आरव की मम्मी की आवाज नहीं आ रही है। आराम। हेलो। यस मैम बोलिए आप। हाँ मैम आ रही है आवाज, बोलिए मैम बोलिए। हाँ जी मैम, प्रवीणा मैम से बोलना चाह रही थी मैं कि उन्होंने एग्जाम में पर्सनली हर बच्चे से पूछा बेटा कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, मतलब पूरे टॉपिक से लेके फाइनली एंड में बच्चे पर्सनली खुद बता रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा देखकर। उसके लिए आपको बहुत थैंक्स। आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जी मैम। देखिए आप और हम मिलकर ही सब कुछ कर सकते हैं, उधर से आप है इधर से हम है, है ना? तो आप और हम दोनों मिलकर ही कर सकते हैं, तो आपने भी साथ दिया इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी मैम, थैंक यू। और आरव, मैं तो और हिंदी की क्लास में बहुत इंटरेस्ट लेता है, लेकिन इंग्लिश की क्लास में उसको इतना इंटरेस्ट पता नहीं क्यों नहीं आता, वो डरता है, क्या प्रॉब्लम है उसको इंग्लिश में आंसर करने में भी। मैं बाद में वीडियो देखती हूँ तो बहुत धीरे धीरे अटक अटक के बोलता है, तो मैं मैम से बात करना चाह रही थी क्लास में वो कैसे बैठता है। आयरा मैम, आरव की मदर, आरव की मदर, आप कैन यू हियर मी मैम? सायरा मैम आप सुन पा जी मैम? हाँ जी मैम सुनाई दे रहा है। मैं मुझे नहीं है, मैं बिल्कुल भी इस बात नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मैं आपको बताने वाली थी कि आरव का मैंने बहुत प्रोग्रेस देखा। हेलो अर्पिता मैम, योर साउंड इज नॉट ऑडिबल। मुझे नहीं लगता कि आप जो बोल रहे हैं मेरी तरफ से, मेरे ओपिनियन में वो सही नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारा इंटरेस्ट उसमें डेवलप करते हुए रिसेंटली देखा है, क्योंकि वो इंग्लिश में भी बहुत इंटरेस्ट कर रहा है मेरे ख्याल से। और मतलब ऐसा नहीं है कि उसको पसंद ले रहा है, पहले नहीं लेता था शायद, देख सकती हूँ और मैं देख रही हूँ और मैं जानबूझ के कोशिश करती हूँ उससे रोज क्वेश्चन पूछना और वो इंटरेक्शन में वो रिजल्ट भी। तो लगता है कि वो इम्प्रूवमेंट है, वो इंटरेस्ट लेके ही पढ़ रहा है। जी मैम, जी मैम, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके बाय राम मैम। यस बाय राम मैम। बाय राम। और किसी को पूछना तो पूछ लीजिए। बाय राम तो और मैम सहजा मैम। यस मैम। यस यस सहजा। One general instruction for all parents. General instruction for all parents for English, ma'am. Yes, yes. Yes, ma'am. Proceed. Ma'am, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Audible. Continue. Saira, ma'am. Sairam.
कीजिए, रीडिंग चेक कीजिए और देखिए कि रीडिंग ठीक से कर पा रहा है कि नहीं। वो हमें पता है किसी किसी बच्चे का थोड़ा अटक जाता है, लेकिन वो प्रैक्टिस से ही सुधार आएगा उसमें। तो हर रोज रीडिंग की प्रैक्टिस आप जरूर दिलाए बच्चे को, एक एक पेज रीड करके। अगर आपका बच्चा कर रहा है तो 2-3 मिनट का एक वीडियो भी बना के आप पोस्ट कर सकते कि बुक है और बच्चा भी दिख रहा है, ऐसे वीडियो बना के भी रीडिंग का वीडियो आप पोस्ट कर सकते। तो इससे क्या होगा, बच्चों के इंटरेस्ट आएगी कि हाँ मैम देखने वाली है, अच्छे से वो रीडिंग करेंगे। वो रीडिंग की हर रोज प्रैक्टिस कराइए और हो सके अगर पॉसिबल है तो एक पेज, अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है तो आधा पेज एटलीस्ट राइट प्रैक्टिस करिए। जो रीड भी तो हैंडराइटिंग में बहुत सुधार आ जाएगा और स्पीड भी बढ़ने लगेगी, जो शायद अब कुछ बच्चों के प्रॉब्लम चल रही है स्पीड की, उससे मतलब छूट जाता है, जल्दी जल्दी नहीं लिख पा रहा है इतना। तो राइटिंग में भी सुधार आएगा, रीडिंग में भी सुधार आएगा। और रीडिंग आपको ध्यान देना है पेरेंट्स को भी, क्योंकि बच्चा कर रहा है वो से फोनिक्स समझ पा रहा है कि नहीं। जैसे जो अक्षर, जो लेटर है वो अक्षर के, मतलब वो वाले अक्षर के साउंड ठीक से वो समझ पा रहा है कि नहीं। जैसे कि बी का साउंड ब, साउंड क, ए का साउंड अ, ये कोरेस्पोंडिंग ये जो साउंड्स होते हैं, ये फोनिक साउंड्स है, वो ठीक से समझ पा रहा है कि नहीं। इससे क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि उसके बेस क्लियर है कि नहीं। अगर बेस में प्रॉब्लम रहा तो आगे चल के वो बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ने में उसको दिक्कत आएगी। तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो अभी इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हाँ सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ही हम उस पर चर्चा कर सकते हैं आगे चल के। तो आप काइंडली पेरेंट्स के हिसाब से आप ये वॉच रखें कि आपका बच्चा कोरेस्पॉन्डिंग फोनिक साउंड्स आपके बच्चे का क्लियर है कि नहीं, और उसको जरूर रीडिंग क्योंकि बहुत से बच्चों का रहता है कि मतलब कंप्लेन रहता है मैम रीडिंग नहीं कर रहा है, मैम उसको इंटरेस्ट नहीं है। मैम एक बात मैं बता दूं, मैम सर सब पेरेंट्स से, बच्चों का इंटरेस्ट उसी चीज में रहता है जो वो कर पाता है, जो वो कर नहीं पाता है धीरे धीरे इंटरेस्ट वहां से घटने लगता है। तो हमें उसको हेल्प करनी चाहिए इस बारे में, अगर उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है हमें आइडेंटिफाई करनी होगी कि क्यों इंटरेस्ट घट रहा है, क्या बच्चा कर नहीं पा रहा है इसलिए। तो अगर वो है तो ड्यूटी हम दोनों की है, टीचर्स की भी और पेरेंट्स की भी, दोनों की ड्यूटी है ये आइडेंटिफाई करना कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है कि बच्चा कर नहीं पा रहा है तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके वैसे हमें काम करना है। और आप मैम को बता सकते हैं, अगर आपको ग्रुप में नहीं बताना है कि हाँ मेरा बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है, आप पर्सनल पे भी मैम को बता सकते हैं, तो हम आगे से उसी पर्टिकुलर उसी जगह पर बहुत सारा फोकस दे प्रॉब्लम सॉल्व कर। हम बच्चों से नहीं Yes, Arpita ma'am, your voice is not coming. Yes, ma'am, actually I have spoken quite a lot. Pata nahi kitna sunai diya, kitna nahi. It's okay, ma'am. ओके मैम, मैंने अभी जो कहा है मैं मीट पे भी कह दूंगी, तो उनको मतलब क्लास में भी कह दूंगी, तो पेरेंट्स सुनेंगे। ओके ओके फाइन, एनीबॉडी एल्स? नो सायरा मैम, यस सायरा, हाँ यस, हाँ सायरा मैम, मैं दिव्यांश, यस दिव्यांश की माँ बोल रही हूँ मैं बोलिए बोलिए
हाँ मैम, मैं अर्पिता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, उन्होंने एग्जाम टाइम पे बहुत मदद की। अर्पिता मैम और प्रवीणा मैम ने भी प्रॉब्लम सॉल्व की, इसलिए उन्हें भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैम आपका भी सपोर्ट रहा तो उसको भी थैंक यू। और आप लोग बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हो, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। हमारे साथ आपके ज्यादा मेहनत आपके भी है क्योंकि बच्चे आपके पास ही है, तो आप लोग पहले आप लोग सुपरवाइज कर रहे बच्चे कर रहे कि नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहे आपको सबसे पहले आपको पता चलेगा। वी आर ऑल्सो हेल्पिंग, यू आर ऑल्सो हेल्पिंग, यू नो। सो प्रदीप मैम, बच्चे क्या होता है, मैम की बात ज्यादा सुनते हैं, ये बात सही है, पेरेंट की बात नहीं सुनते, आप लोगों की बात सुनते हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके यस, then we can we wind up the meeting ma'am, nobody is asking? Yes ma'am, agar kisi ka koi prashna nahi hai nahi hai to hum wind up kar sakte hain. Let me see, no nobody is here, so let us wind up today's meeting by Shanti Pad. Yes. Shanti, 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 Sairam, Sairam parents, Sairam parents, thank you very much, thank you very much. Thank you, thank you. Thanks to all.